हाय गाइस, राधे राधे। आज आपके लिए लेकर आए हैं क्लास टेंथ एक्सरसाइज 3H। तो 3H पिछले वीडियो में मैंने बताई थी, अब उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे जिसका पार्ट है 3। ठीक है, तो अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको हर सवाल की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए आइए देखते हैं आगे। फिफ्थ नंबर तक सवाल मैंने बता दिए थे, आज सिक्स नंबर सवाल क्या है, ये दिया है मेवे के 700 ग्राम के एक पैकेट की लागत 72 रुपये है, इसमें कुछ काजू की गिरी और शेष किशमिश है। यदि काजू गिरी का भाव 96 रुपये प्रति किलोग्राम हो और किशमिश का भाव 112 रुपये प्रति किलोग्राम हो तो ज्ञात करो उस पैकेट में दोनों मेवों की तौल अलग अलग कितनी थी। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना काजू गिरी की मात्रा बराबर x ग्राम, ठीक, और कुल पैकेट कितना आया 700 ग्राम का, तो जिसमें काजू हो गई अगर x ग्राम तो बाकी जो किशमिश बची तो किशमिश कितनी हो जाएगी, 700 माइनस एक्स ग्राम, तो किशमिश की मात्रा क्या हो जाएगी, 700 माइनस एक्स ग्राम। ठीक है, यानी कि पैकेट में हमारी काजू है एक्स ग्राम और किशमिश है 700 माइनस एक्स ग्राम। अब देखिए दिया है यदि काजू गिरी का भाव 96 रुपये प्रति किलोग्राम हो, तो देखो 1 किलोग्राम बराबर किसके होता है, 1000 ग्राम। तो 1 किलोग्राम काजू का मूल्य दिया है कितना, 96 रुपये, यानी कि 1000 ग्राम काजू का मूल्य, तो 1000 ग्राम काजू गिरी का मूल्य बराबर दिया है 96 रुपये। तो यहाँ पर हम निकाल लें 1 ग्राम काजू का मूल्य क्या होगा, 96 बटे 1000 रुपये। अब हमारे पास काजू कितनी है, काजू है हमारे पास एक्स ग्राम, तो एक्स ग्राम काजू का मूल्य क्या होगा, 96x/1000 रुपये। ठीक है, अब उसके बाद आगे चलते हैं, तो दिया किशमिश का भाव 112 रुपये प्रति किलोग्राम, यानी कि 1 किलोग्राम किशमिश का मूल्य 112 रुपये है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1000 ग्राम किशमिश का मूल्य 112 रुपये। तो 1 ग्राम किशमिश का मूल्य क्या होगा, भाग में चला जाएगा 112 बटे 1000 रुपये। अब हमारे पास किशमिश है कितनी, 700 माइनस एक्स ग्राम, तो 700 माइनस एक्स ग्राम किशमिश का मूल्य 112 × 700 − x/1000 रुपये। ठीक है, तो इतनी किशमिश, ये किशमिश का मूल्य हुआ और ये हमारा मूल्य हुआ किसका, काजू का। अब दोनों को मिलाकर पैकेट हमारा मिलता है कितने रुपए का, 72 रुपए का पैकेट मिलता है, यानी कि ये रुपए प्लस ये रुपए बराबर किसके होंगे, 72 रुपए के। ठीक है, तो प्रश्नानुसार 96x/1000 + 112 700 − x/1000 = 72 रुपये के, यानी कि ये मूल्य हुआ हमारा x ग्राम किशमिश का मूल्य और ये 700 माइनस एक्स ग्राम काजू का मूल्य, तो दोनों का कुल मूल्य कितना, 72 रुपये का पैकेट हमको पड़ता है। तो ये अब हो जाएगा, इसका हम एलसीएम ले लें, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 1000। ठीक, तो ये हो गया 96x + 112 का गुणा करो तो 7 × 14 = 4, 7 × 1 = 8 और 7 × 7 = 2 0 −112x = 72 रुपये के।
अब ये 1000 इधर भाग में उधर जाएगा, गुणे में हो जाएगा, ठीक। 112 में 96 घटाओ तो क्या बचेगा, माइनस का 16x प्लस 78400 बराबर, ये 1000 इधर गुणे में जाएगा तो क्या होगा, 72000। तो माइनस का 16x बराबर 72000 माइनस 78400, तो माइनस 16x बराबर, अब इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 6400, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो x बराबर 6400 बटे 16 हो जाएगा, तो x बराबर भाग दे दें तो कितना आएगा, 400। तो अब अतः काजू की मात्रा हमने क्या मानी है, x ग्राम मानी, तो x का मान कितना आया, 400। तो 400 ग्राम काजू है पैकेट में, और किशमिश क्या है, किशमिश की मात्रा हमने मानी है 700 माइनस x ग्राम, तो 700 माइनस 400 तो बराबर क्या आ जाएगा, 300 ग्राम। यानी कि काजू हमारी पैकेट में कितनी है, 400 ग्राम है, और किशमिश हमारी कितनी है, 300 ग्राम है, ठीक है। तो आइए अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या होगा, दिया है क्वेश्चन नंबर 7 में कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, यानी कि 3 दिन के लिए एक नियत किराया लेता है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया लेता है। तो हमें नियत किराया और अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं, माना नियत किराया बराबर x रुपए, और अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया मान लिया हमने y रुपए। तो अब पहली शर्त क्या है कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए, तो 7 दिन, तो देखो 3 दिन का किराया कितना है, x रुपए, फिर उसके बाद बचे कितने, 4 दिन, तो 4 दिन का किराया, एक दिन का अतिरिक्त का वाई रुपए, तो 4 अतिरिक्त दिन का कितना हो जाएगा, 4y बराबर कितना है, 27। तो समीकरण 1 हो गया। अब द्वितीय शर्त हमारी कह रहा, सूसी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखी, सूसी ने कितने दिन तक रखी, 5 दिन, तो 3 दिन के लिए तो उसको x रुपए देने होंगे, उसके बाद 2 दिन अतिरिक्त हुए, कितने दिन, 2 दिन, तो एक दिन अतिरिक्त का किराया है y रुपए, और अतिरिक्त कितने दिन हो गए, 2 दिन, तो बराबर उसको कुल कितने रुपए देने पड़े, 21 रुपए उसको देने पड़े। तो ये हो गया समीकरण दूसरा। तो अब हम समीकरण 1 व 2 को हल कर लेते हैं, तो x प्लस 4y बराबर 27 और x प्लस 2y बराबर 21। तो माइनस घटाने पर सारे चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस हो गया, ये माइनस, ये कैंसिल हुआ, यहाँ पर क्या आया, 2y। अब 27 प्लस का है, माइनस का 21 घटेगा तो 6 बचेगा, तो y बराबर क्या आएगा, 6/2, यानी कि y बराबर आ गया 3। तो y का मान समीकरण 1 में रख दें, 1 हमारा क्या है, x प्लस 4y बराबर 27, y का मान कितना है, 3, तो रख दें, तो x प्लस 4 गुणे 3 बराबर 27, तो x प्लस 12 बराबर 27, तो x बराबर 27 माइनस 12 हो जाएगा, तो x बराबर क्या आएगा, 15। यानी कि हमारा नियत किराया जो है 3 दिन का वो 15 रुपये है, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना है,
3 रुपये। तो आज ये दो सवाल आपको मैंने इस वीडियो में बताए, तो अगले सवाल के लिए अगले वीडियो में। तो तब तक राधे राधे।